सबको मेरा नमस्कार। वो मेरे जीवन का एक सुखद पल था जब मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी बात करना चाहते हैं। और उनका निमंत्रण था यहाँ आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया में जो नाम हासिल किया है उसके बावजूद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। आई वॉज अमेज्ड व्हेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। और हालात क्या थे, कानून की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, ये प्रदेश दोनों में चिंता का विषय था। हताशा इतनी थी कि लोगों को चिंतन करने का मन नहीं था। हम कहाँ से कहाँ आ गए। उत्तर प्रदेश इज अ रोल मॉडल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। लंबे समय से वकालत के पेशे में रहने के कारण उद्योग जगत से मेरा काफी नाता है। उत्तर प्रदेश हैज बिकम हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीमियम कैटेगरी। साधारण इन्वेस्टमेंट तो आता ही है। आई एम ग्रेटफुल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर अफोर्डिंग मी दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी। एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आई वॉज चांसलर ऑफ 3 dozen स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मुझे पता है कुछ जगह चांसलर के साथ क्या होता है। पर मुझे कुछ सुखद अवसर भी मिला है चांसलर होने का। एज वाइस प्रेसिडेंट आई हूँ चांसलर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। बट आई कैन से दिस कन्वोकेशन इज यूनिक। दिस कन्वोकेशन है डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सिविलाइजेशनल इथोस। हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात होना, दिल और दिमाग को सही रखना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टोलन माई हार्ट एंड स्टोलन पार्ट ऑफ माई एड्रेस ऑल्सो। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द अवार्डीज। आई हैव टू चेंज माय कोर्स। आई विल हैव टू डिविएट फ्रॉम माय एड्रेस। आई थॉट अ पॉलिटिशियन विल बी एड्रेसिंग यू। नो, अ स्पिरिचुअल लीडर, एन एकेडमिशियन, अ स्टेट्समैन एंड अ फार थिंकिंग पर्सन स्पोक टू यू। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी एंड डीन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, कन्वोकेशन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव भी है। इट्स अ माइलस्टोन, उसके जीवन का गेम चेंजर है। His efforts, endeavors, aspirations, dreams fructify into a degree.
and today 7,914 students have got the benefit of it. My congratulations to you. And 282 of them doctorates. I'm especially attached to doctorates because my wife is one. It is of great significance that 370 of them are from abroad. Friends, you walk, I'm talking in the context of India first, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. You are walking into the world now. You are taking a larger leap. But unlike my time, which was very difficult, I was elected to Lok Sabha in 1989. I was a union minister. So I know both these sides. One, the difficulties which I faced as a student. Scholarship nahi milti, toh padhai nahi kar paata. And I have seen what Bharat was in 89 to 91. Sone ki chidiya kehlane wale desh ka sona. Hawai jahaz ke madhyam se Switzerland ke do bankon ke andar girvi rakhna pada. Wo halaat the hamare. Hum aaj kahan aa gaye. Boys and girls, you are walking into an ecosystem now जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है. एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विद पावर ब्रोकर्स. बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था. दीज एलिमेंट्स, निफेरियस एलिमेंट्स, लीवरेज्ड डिसीजन मेकिंग इन द हायर एचेलेंस ऑफ पावर एट द स्टेट एंड सेंटर. और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर जट से उनको नष्ट कर दिया. वी हैव नाउ एन इकोसिस्टम वेयर आवर पावर कॉरिडोर्स हैव बीन सैनिटाइज्ड ऑफ करप्ट एलिमेंट्स, मिडिल मैन. ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन? किसी भी समाज के लिए, खास तौर से प्रजातांत्रिक समाज के लिए, ये बहुत जरूरी है कि हम आम आदमी अपना सर उठाकर चले कि मेरे को वो ही अधिकार हैं जो दूसरे को हैं. आई विल बी ट्रीटेड इक्वली. और कानून की दृष्टि में मैं एक रहूंगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. पर जमाना था, कानून हमारा क्या कर लेगा? कानून हमारी मुट्ठी में है, कानून का शिकंजा हमारे गले तक कैसे पहुंचेगा? और ये हकीकत भी थी. देर हैज बीन अ सी चेंज, अ चेंज फॉर द बेटर. नो वन इज अबाउट द लॉ नाउ. किसी लिनेज का हो, किसी सक्सेशन का हो, किसी पद का हो, कोई भी हो, पर एक नई संस्कृति चालू हो गई है which the young minds of this country have to deal with. जब ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जो करप्शन में लिप्त, आई एम नॉट टॉकिंग इन पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग इन जर्नल, दे आर अकाउंटेबल ओनली टू लॉ. उनको रिलीफ यदि अगर कहीं मिलेगी तो कानून के रास्ते से मिलेगी. मुझे समझ में नहीं आता वो सड़क पर क्यों आ जाते हैं. यू हैव टू जनरेट दैट सिस्टम. इंडिया और भारत इज विटनेसिंग फिनोमिनल ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ. हमने तो सपना भी नहीं देखा था कि क्या भारत यह स्वरूप लेगा. आपने भी नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण होगा,
लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहेंगे, हर तरीके से देश फूलेगा फलेगा उत्तर प्रदेश के आधार पर। ये बदलाव आया है। जो संस्थाएं विदेशों में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, पहले क्या कहते थे, इंडिया इज वन ऑफ द फाइव फ्रजाइल इकोनॉमीज। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। नाउ वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे हैं। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। बाय टर्न ऑफ दिस डिकेड, बाय 2030 वी वुड हैव लेफ्ट बिहाइंड जापान एंड जर्मनी ऑल्सो। और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, समस्या समझना, समस्या का आकलन करना, समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढना, समस्या का समाधान कौन करेंगे उनको चिन्हित करना और फिर करना, आई अप्रिशिएट हिम, आई कमेंड हिम। ये इनका भाषण नहीं है, ये इनका वर्तमान है, इनके शासन कार्यकाल के अंदर इनकी भूमिका रही है। और इसीलिए कहा गया है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। ही सिंबोलाइजेज टूडे अ पर्सन ऑफ एक्शन हु थिंक्स बिग, टेक्स ऑन इश्यूज एंड मूव्स अहेड। यही आज आप सबको करने की आवश्यकता है। यदि अगर हम कल्पना कर रहे हैं व्हाट विल बी आवर भारत 2047, मेरी उम्र के लोग उस समय शायद न रहे, पर आप में से सब रहेंगे जिनको डिग्री मिली है। यू आर फुट सोल्जर्स ऑफ भारत 2047। यू विल मेक भारत द मोस्ट डेवलप्ड नेशन। और हम विश्व गुरु बनेंगे। मेरी एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये विद्यालय, गौतम बुद्ध विद्यालय, विश्वविद्यालय मस्ट कम अप टू द लेवल ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई मांग नहीं की गुरुजन से, प्रियजन से या मित्रों से जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो। पर मेरी इस मांग में सब मानेंगे कि ये मांग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 100% इम्प्लीमेंटेबल है। एक चर्चा हुई जिसका रेफरेंस वाइस चांसलर ने दिया, वी आर फेसिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, वी हैव टू लिव विद देम, दे वांटेड आवर ऑफिस, दे वांटेड आवर होम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप देखिए, मशीन लर्निंग, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, भारत सरकार ने इन मामलों में दुनिया में एक तरीके से पहल कर रखी है। देयर इज ऑलरेडी एन एलोकेशन ऑफ 6,000 crores फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, और पूरा कंप्यूटर मैकेनिज्म बदल जाएगा। We already have an allocation of 90,000 crores for green hydrogen mission. Machine learning, इतना fast data collection करना पड़ता है, machine learning से you can do it. 6G आम लोगों के लिए 5G से कुछ बेहतर है, हमारा फोन थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, no, it is much beyond that. India is amongst very few countries that have taken lead. And commercialization portion of 6G will be unfolded from 2025 to 2030.
I am telling you, boys and girls, sky is the limit when it comes to opportunities for you in this land of Buddha, in this land of Gandhi. Examples have been set here on two counts. They carry great message, not because of the number here, but because of the directional approach. जिन दो बच्चों को किट दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक के कान में ये कहा, दवाई रेगुलर लेना. इट्स अ ग्रेट मैसेज. यू कैन हैंड होल्ड, पर थोड़ा आपको भी सहयोग करना पड़ता है. पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज वेरी सिग्निफिकेंट. I complimented the Honorable Chief Minister कि आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया. यदि अगर सरकार आधा पैसा नहीं देती, with due respect to the corporate, शायद उनका आधा आने में समय लग जाता. अब समय नहीं लगेगा. This is much beyond self audit. Corporate आगे से आकर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी करेंगे. ये शुरुआत है. मेरा मन कई बार दुखी होता है. विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार ने 2009 में $5 मिलियन दे दिया. एक उद्योगपति ने $50 मिलियन दे दिया. मेरे को कोई एतराज नहीं है, पर हमें सर्जन करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, अपनी संस्थाओं को भी सींचना चाहिए. दुनिया में कहीं भी जाकर देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉर्मली इंस्पायर्ड एंड फंडेड बाय कॉर्पोरेट्स. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग हो, इनका हमारे सुरक्षा से भी बहुत लगाव है. क्योंकि सुरक्षा के मामलों में उत्तर प्रदेश इज कमिंग अप as a great hub of defense production. तो उत्तर प्रदेश उपयुक्त प्लेस है, उत्तम प्लेस है, जहां इस प्रकार की संस्था को नर्चर किया जाए. और कितना विशाल यहां का कैंपस है, कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है. एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम श्योर दिस विल हैपन. हम हमारा रास्ता भूल गए थे, इसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ थ्रू योर वाइस चांसलर. आई इनवाइट स्टूडेंट्स ऑफ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी टू विजिट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. व्हाट यू विल सी देयर इज highest technological application and full reflection of our civilizational ethos. पूरे देश की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का संकेत आपको वहां मिलेगा. आई एम श्योर the vice chancellor will take initiative. My office will coordinate as many students as can see. I am greatly motivated by the address of the Honorable Chief Minister, and therefore, as Chairman of the Indian Council of World Affairs, we had the occasion that several our friends have come from outside, and we had the occasion to give recognition to people from 7 countries here. Indian Council of World Affairs, a very prominent body that shows window to the world, our window to the world, will have an MOU with Gautam Buddha University in next 30 days. And that will benefit the university, because
from all over the world, when experts in various walks of life come, they will be able to interact with the students, the faculty of this great university. I will bring it about, as I said. I had the good fortune, by virtue of being vice president of the country, to witness G20. World leaders indicated, Mr. Vice President, your Prime Minister has put a very high benchmark. Never before in the history of G20 there was this achievement. For the first time, African Union was included in G20. थोड़ा अंदाजा लगाइए कि यूरोपियन यूनियन तो पहले G20 में थी. यूरोपियन यूनियन में कौन से देश थे जिन्होंने अफ्रीकन यूनियन के देशों पर राज किया? ये भारत की पहल थी. दूर का सोच था कि उनको एक पटल पर ला दिया. पहली बार दुनिया में ग्लोबल साउथ नेशंस की लोगों ने तो पहले नाम भी नहीं सुना था. इंडिया बिकेम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. द रेजोनेशन ऑफ द सेम वॉज वेरी इंपैक्टफुल ऑल ओवर. और वो देश कौन है जो दुनिया के 65% GDP को ध्यान देते हैं? मेरा आपको यही कहना है कि आज किसी भी बात को देख लो. समुद्र में देखोगे तो विक्रांत का नया रूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, हमारे देश में निर्मित. जब अपने डिफेंस प्लान की बात करते हैं, तेजस भारत में निर्मित है, हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित है. जब स्पेस की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 लैंडेड एट द साउथ पोल ऑफ मून, जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं जा पाया है. और कितनी प्रसन्नता का विषय है, चांद पर तिरंगा पॉइंट भी है और शिव शक्ति पॉइंट भी है. बट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, आई हैव इंटरेक्टेड विद इसरो चेयरमैन सेवरल टाइम्स. आपके लिए बहुत बड़ा मौका है. 60 के दशक में भारत और पड़ोसी देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया था. भारत ने दूसरे देश के पैड से लॉन्च किया था, हमारे पड़ोसी देश ने खुद के यहाँ से किया था. आज हालात देखिए, आवर इसरो इज लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स ऑफ USA, UK, सिंगापुर एंड अदर नेशंस. ये हमारा अटेनमेंट है. आपके लिए अपने टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए असीमित अवसर हैं. बट नेवर बी इन टेंशन, नेवर बी इन स्ट्रेस. हैवंस हैव नेवर फॉलन हिस्टोरिकली. आपके मन में यदि अगर कोई विचार आता है तो आप अपने मस्तिष्क को उसका पार्किंग लोकेशन मत होने दीजिए. उस विचार को एग्जीक्यूट करने की सोचिए. नेवर फियर फेलियर. जो फेलियर को फियर करते हैं उनमें हताशा आएगी. फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. क्योंकि भारत के अच्छे गवर्नेंस में यदि अगर सबसे ज्यादा कोई स्टेक होल्डर है वो आप लोग हैं. और भारत के फ्यूचर को सबसे ज्यादा शेप करने में जिनका योगदान रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर दैट कैटेगरी. एंड देयरफॉर ऐसा कोई हैंडीकैप आप मत मानिए वेर यू हैव टू लुक बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ दिस कंट्री. व्हेन आई कम टू कॉर्पोरेट्स, इट इज हार्डली अ कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड वेर अ ह्यूमन जीनियस एंड ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट डोमिनेटिंग एट द टॉप. आज का भारत किसी के शिकंजे में नहीं है. भारत की अपनी सोच है विदेशी मामलों में. हमारी आवाज़ सुनी जा रही है.
हमारे पासपोर्ट की वो इज्जत है जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी. वी आर इन अ पोजिशन टू टेक टफ स्टैंड्स. बट बुद्ध की बात को ध्यान में रखते हुए मानिए, बुद्ध की शुरुआत में क्या था. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कही है उस समय मेरे मन में आया कि वी विल पुट इट इन संसद टीवी, क्योंकि आपने सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप जो बताया है, बट अल्टीमेटली बुद्ध किस में क्रिस्टलाइज हुआ. भारत दुनिया में अकेला देश है जिसने आज तक सीमाओं के पार कुछ ग्रहण करने की कोशिश नहीं की है, आक्रमण बर्दाश्त किया है. भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. इश्यूज मस्ट बी डिसाइडेड बाई डिप्लोमेसी एंड डायलॉग. मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया. हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है. लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल, एट द पंचायत समिति लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द सेंट्रल लेवल. इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर पावर ट्रांसफर इज बाय द बैलेट, कभी कोई समस्या नहीं आती है. मशीन से निकल गया, इलेक्शन कमीशन जो नतीजा बता दिया, देर इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन दिस कंट्री ऑफ दैट. फिर कोई वहां जाकर ये बात करते हैं. वी हैव टू जेनरेट अ क्लाइमेट दैट एंटी नेशनल नैरेटिव्स सेट एट फ्लोट बाय डिजाइन बाय स्ट्रेटजी टू मलाइन इंस्टीट्यूशंस हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस दे मस्ट बी निप्ट इन द बड. उसमें आप सबका योगदान जरूरी है. ऐसी विकट समस्या में जब भारत ऊपर जा रहा है, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हमारी संस्कृति को हमारी ग्रोथ को धूमिल करना चाहते हैं, आपकी चुप्पी नहीं रहनी चाहिए. साइलेंस विल एवर रिजोनेट इन योर ईयर्स एंड देयरफॉर हैव योर माइंड यूज योर डिस्क्रिप्शन बी जजमेंटल अबाउट इट एंड देन टेक द राइट कोर्स. अंत में मैं आपको यही कहूँगा, हमारा अटूट विश्वास भारतीयता में है. वी विल ऑलवेज कीप इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अबव एवरीथिंग एल्स. वी आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत एंड वी विल एवर टेक प्राइड इन इट्स हिस्टोरिक राइज. एक बार फिर से, जिनको डिग्री मिली है, मुझे भी मेरा दिन याद है, डिग्री मिली है, कब मिली थी उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको भी आप नहीं भूल पाओगे, मैं भी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहता था उसको मेरे से बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कह पाए. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.